शांति, आज की तारीख है 6/9/2022। आज की मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे दूरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बताना है। दूरादेशी विशाल बुद्धि बनकर बाबा की सर्विस करनी है, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध कर कर बताना है। प्रश्न है आज की मुरली से, महाभारत की कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं, महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तो महाभारत का युद्ध इस समय चल रहा है कलयुग में, अनेक धर्मों का जब विनाश होगा तो एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना कहाँ होगी? सतयुग में होगी। तो ये महाभारत की लड़ाई छिड़ी हुई है, तो महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध कर सकते हैं, ये बात सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा। अब इस समय शांति का माहौल तो है नहीं, चारों तरफ महाभारत की लड़ाई छिड़ी हुई है, चारों तरफ अशांति दुख है। तो बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा। ऐसे समय पर ही भगवान आकर ज्ञान सुनाते हैं, दुख दूर करते हैं। तो जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया होगा, अब आप ये बाबा कहते हैं अब ये सिद्ध करना है कि महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है भगवान आया होगा जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया होगा। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापना हो। महाभारत अर्थात इस कलयुग, कलयुग क्या है, ये महाभारत की भूमि है, इसके बाद माना जिसके बाद सतयुग की राजधानी स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तुम बाबा के बच्चे महाभारत पर इस भक्ति मार्ग वालों को, इस दुनिया को अच्छे तरह से समझा सकते हो कि महाभारत का अर्थ क्या होता है। गीत है आज की मुरली से, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। कैसे कैसे बाबा के ज्ञान को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। दूसरा, लौकिक के बीच में रहते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करना है। लौकिक सगे संबंधियों के बीच में आप रहते हो, बल रहते हैं, लेकिन अपने शिव बाबा को, पारलौकिक बाबा को याद करते रहना है, बुद्धि से बाबा को याद करते रहना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊँची बनानी है। जितना अच्छा आप बाबा को याद करने की मेहनत करेंगे, बाबा के ज्ञान को समझने की मेहनत करेंगे, उससे आपको प्रारब्ध माना अच्छा फल, अच्छी प्रारब्ध, उच्च प्रारब्ध बनानी है। वरदान है, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। जिसको एक बाबा पर भरोसा होगा, एक शिव बाबा पर भरोसा होगा, ऐसे भरोसे पर रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्वशक्तियाँ प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है एक द्वारा सर्व संबंध। अब एक रस स्थिति का अर्थ क्या है, सिर्फ एक से शिव बाबा से हमारे सारे संबंधों को जोड़ना, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। जो एक रस स्थिति में रहने वाले होंगे उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। स्लोगन है आज की मुरली से, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं।
मस्तक सिंहासन पर मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मस्तक पर स्टार की तरह चमकती हुई मैं आत्मा जब इस देह को छोड़ अपने परम धाम की ओर जाते तो मैं आत्मा शक्तियों से भर जाती। मैं अपने घर जाती जहाँ मेरा निवास स्थान है, जहाँ से मैं आई सृष्टि रूपी रंगमंच पर ड्रामा का पार्ट अदा करने। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर पहुँचती धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर आसमान से पार सूक्ष्म बतन से भी पार में आत्मा परम धाम में स्थित मैं निराकार आत्मा। निराकार स्थिति में स्थित मैं निराकार आत्मा बाबा से आती दिव्य शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा में समाती जा रही हैं। एक रस अवस्था में स्थित मैं आत्मा एक बल एक भरोसे में स्थित मैं आत्मा एक बाबा से ही सारे संबंध एक बाबा से ही सारी प्राप्तियाँ एक बाबा के संग का रंग। मैं शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण करती हुई मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर इस पूरे विश्व को शांति शक्तियों से भरपूर करते हुए मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर समा जाती हूँ अपने मस्तक में। ओम शांति।